So, you stay in your home till then the next announcement of the government. सरकार के अगला आदेश तक तो अब छुट्टियां मनाना है आप लोगों को, है ना? या ऐसा भी होगा कि बीच में अब तो खैर योर वेदर इज गोइंग टू बी वेरी फाइन, कुछ काल में सुधर जाएगा मौसम, तो शायद उम्मीद है कि कुछ काल में ठीक हो जाएगा, है ना? तो इस बीच में आप लोग क्या करते हैं भाई? यू ओनली एंजॉय दैट, केवल एंजॉय करते हैं और कुछ तो करते नहीं आप लोग. फिर भी वी हैव टू बी कनेक्टेड. कनेक्ट करने के लिए हम ऐसा किए कि भाई लाइव क्लास के लिए कॉन्टेक्ट किए तो सुविधा मिल गया, और आप लोगों को यूट्यूब पर भी आ जाएगा. जो बच्चे लाइव कनेक्ट नहीं कर पा रहे उन लोगों को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाएगा. सो आज हम लोग जिस मैटर पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंटरमीडिएट का स्टार्टिंग सिलेबस. सो वी हैव टू बी फुल एट द फोकस. ध्यान देना है कि अभी हम लोग कोरोना डिजीज, है ना, COVID-19, इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, है ना, हाउ इट जस्ट कॉल्ड बी द COVID-19. COVID-19 इसको कैसे कहा जाता है ना, कोई जानते हैं? को यानी कोरोना, वी यानी वायरस, डी यानी डिजीज. इसका खोज 2019 में हुआ था, इसी कारण से COVID-19 के नाम से जाना जाता है ना. सो दैट इज द पॉइंट. उसके बाद हम लोगों को जानना और पहचानना है कि भाई हम लोगों को पढ़ना इसमें है क्या. तो सबसे पहले अभी हम सभी लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पर अपना फुल फोकस करेंगे कि हम लोगों को इंटरमीडिएट इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है, कैसे हम लोगों को इंटरमीडिएट इंग्लिश में बेहतर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. क्योंकि ये 15 डेज वी हैव अ स्ट्रेस फ्री, हम लोग जो है स्ट्रेस फ्री है, कोई तनाव नहीं है माथा पे, है कहीं नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है. ना टीचर का डांट का डर है, ना किसी का डर है, मुंह भी धो रहा है घर पर बैठ के तो वीडियो ऑन करके देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोच लो तो ऐसा सुविधा मिलना, इसमें कुछ भी सीखोगे ना, जब माइंड पे स्ट्रेस रहता है तो जाहिर सा बात है बहुत सा चीज माथा में नहीं आता है. और जब माइंड पर स्ट्रेस आपका नहीं होगा, जब आप लोग देखोगे कि किस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेसिंग, तो उसके लिए अभी आपके 15 डेज बहुत ज्यादा सूटेबल है. तो देखते हैं क्या करके हम लोग कि इस तरह से हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं. तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले आप लोगों को नेसेसरी है आपका एग्जाम पैटर्न. कुछ बच्चे का कहना था कि सर इन द लाइव क्लास आई विल नॉट अंडरस्टैंड देन व्हाट आई कैन डू बिकॉज यू आर नॉट इन माय फ्रंट देन हाउ कैन आई आस्क विद समवन. पूछा कि कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो हम किन से पूछेंगे. ऐसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो हम लोग सब वर्चुअल रहते हैं तो कभी ना कभी पूछ लेते हैं, लेकिन जब क्लास डिजिटल हो जाएगा कुछ डाउट होगा तो किससे पूछेंगे. तो इससे होता है कि टीचर के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाता है कि आप लोगों को ऐसा समझाए कि डाउट होने का जरूरत ही ना पड़े. फिर भी यू थिंक देयर आई हैव अ डाउट देन यू विल फर्स्ट टू बी राइट ऑन द कमेंट बॉक्स योर ऑल डाउट्स या अदरवाइज यू शुड नोट एंड वेन द कोचिंग इज विल रू ओपन एंड यू विल आस्क अगेन. तो आप पूछ लो दोबारा जब कोचिंग अगर दोबारा खुल जाती है. तो अभी हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि एग्जाम पैटर्न हम लोग कैसे कैसे पढ़ना है. सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट जो हैं, है ना, 100 मार्क्स. अब चूंकि आपका इंग्लिश रह नहीं गया है पहले की तरह 150 मार्क्स, अब आपका टोटल इंग्लिश रह गया है 100 मार्क्स का, है ना. बताओ सर टुकुर टुकुर देख रहा है, जानता ही नहीं है, जानते हो ना, फिर सोच लो. तो इसके बाद आपको ध्यान देना है 100 मार्क्स के बाद सिलेबस के ऊपर, है ना, कि व्हाट इज सिलेबस, सिलेबस हमारा क्या है और इस सिलेबस को हम लोग कैसे देख सकते हैं समझ सकते हैं. तो पहले सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करेंगे सही तरीका से, क्योंकि हम लोग जो भी बेसिक पैटर्न था करीबन तकरीबन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. अब हम लोगों को कुछ बुक का मेटेरियल जानना है जिससे एग्जाम्स में कैसे आते हैं. तो अभी स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग को ऐसे पढ़ना है ताकि लगे कि हाँ हमारा क्लास जब भी खुले इस मैटर पर डीप एनालिसिस भी आप लोगों का हो जाएगा. लेकिन अभी है कि एक बार अगर इसके ऊपर अगर आपका रिफ्लेक्शन मजबूत हो जाता है तो आगे चल के आप इस पर आसानी से अपना कमांड कर सकते हैं. तो सिलेबस के बाद आप लोग अभी जान लो कि सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव्स का होता है. ऑब्जेक्टिव छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ना. बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर, है ना, there were only 50 objectives, but
in this examination, there are almost 60 objective, but you should have only to mark up 50 objective, that your choice. Many a student asked me again and again, sir, I have to fill up 60 objective and I got according to the marking only 50. No, you just fill up the 50. It means that your fill up continue and checking only 50 questions, not much more. Usse jyada acha nahi hoga. Bahut se student pooch rahe the ki agar sir aisa ho jaye ki 60 mein 60 hum rang de to 50 hamara koi chun ke de dega. Aisa nahi hone wala hai. Aapko 50 tak hi milega. Agar 50 tak aap sahi banaye ho to usi mein se aapka jitna ho sakta utna aayega. Isliye 60 mein se आपको 50 रखना पड़ेगा और कोई 10 स्किप करना पड़ेगा, 10 आपको छोड़ देना पड़ेगा, जरूरी होगा. ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग किस मैटर पे आते हैं? ऑब्जेक्टिव के बाद वी आर ऑन द सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मींस ओनली राइटिंग स्किल्स यू हैव अ क्रिएशन. केवल अगर आपका राइटिंग स्किल्स अगर आपका क्रिएट है, अच्छा अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स है, तो समझ लो कि आप एक तरह से बेहतर कर सकते हैं. किस क्षेत्र में? लिखने में, है ना. इसलिए राइटिंग स्किल्स तगड़ा कैसे होगा? यू शुड बी प्रैक्टिस एट योर होम. क्या होता है, बच्चे इंग्लिश क्लास पढ़ते हैं एंड ओनली लिसन द लेक्चर इन द क्लास ऑफ द टीचर. केवल लेक्चर सुनते रहते हैं टीचरों का, है ना. दे विल बी नॉट ऑन दैट द वर्किंग दैट यू हैव टू राइट डाउन और नॉट. हम लोग को लिखना भी पड़ेगा या नहीं, ऐसा कुछ सोचता भी नहीं है. तो दैट इज द मेन एरर. उसके बाद हम लोग को देखना है कि इंग्लिश ग्रामर, है ना, इंग्लिश ग्रामर का हम लोग को पढ़ाई करना है. क्या इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है, कैसे हम लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा. जनरली हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लिए, सब्जेक्टिव भी देख लिए, अब इंग्लिश ग्रामर को हमें कैसे पढ़ना होगा. तो इंग्लिश ग्रामर का लेवल होना चाहिए. इंग्लिश ग्रामर तो इंटरमीडिएट में कोई लेवल ही नहीं है आपका, बस 6-7 टॉपिक्स है, पढ़ लोगे, निश्चिंत हो जाओगे, इतना हो जाएगा कि यू शुड कॉन्फिडेंट दैट आई विल हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन. आराम से एग्जाम निकाल लोगे, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्डअप हो जाएगा. बट उससे ज्यादा हमें बिल्डअप करना है अपने अंदर, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत अच्छा समय है एंड वी हैव टू बी ओनली टू यूटिलाइज इट. हम लोगों को उसको यूटिलाइज करना है सही तरीके से. देखते हैं, कंपटीशन का लेवल होना चाहिए हमारे. जैसा कंपटीशन का लेवल क्या होना चाहिए भाई, तो वो कंपटीशन का लेवल हमारा डिफेंस का होना चाहिए, जिसमें हम एयरफोर्स, नेवी और हमारा, है ना, डिफेंस के लेवल के तैयारी में हम लोग करेंगे. से आर्मी का तैयारी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब तुरंत इंटरमीडिएट के बाद ही होता है. तो अगर आपका इंग्लिश पोर्शन तगड़ा है, देन यू विल नॉट वरी अबाउट दैट एनीथिंग, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मास्टर इन साइंस, मैथ. बट एवरी वन फियर्ड ऑफ इंग्लिश, सो दैट यू शुड हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंग्लिश in this intermediate section, okay? देखना SSC है आपका, है ना? SSC के level से ही आप आगे MTS, LDC, है ना? UDC आप निकाल सकते हैं, आप आगे इससे exams MTS, LDC, UDC हो गया, फिर दो exams इसमें और जुड़े होते हैं, जैसे कि आपका CPU हो गया, CGL हो गया, तो ये सारे exams इससे जुड़े हैं, और भी इसका कई parts है, CHSL भी होता है एसएससी के अंतर्गत, लेकिन वो तुरंत 10+2 के साथ ही जुड़ जाता है. और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा डिमांड है. जिन स्टूडेंट को आगे बैंकर बनना है, जिनको आगे ऐसा लगता है कि नहीं, आई हैव अ एबिलिटी टू मेक माई सेल्फ एज अ क्रेडिबिलिटी इन द बैंकिंग सेक्शन, देन दे विल हैव टू बी चूज दैट. वो उनको इनको चूज कर लेना होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू बी फाउंड आउट अबाउट दैट द स्टोरी ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश में हम लोगों को जो पढ़ना होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश. स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द मेन बेसिक कॉलम एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द इंग्लिश रिलेटेड टू योर इंटरमीडिएट. आपके इंटरमीडिएट से जुड़ा हुआ ये सबसे पहला ऐसा पैटर्न है जो आपको इंग्लिश के बारे में डीप नॉलेज भी देगा, प्लस एग्जाम के लिए भी आपका काफी अच्छा, काफी सुटेबल होगा. इसलिए एग्जाम्स में आपको इसके लिए काफी भरपूर ध्यान देना पड़ेगा. पहला बात, इसमें आप हर चीज जान जाओगे इंग्लिश रिलेटेड, हर मैटर. दूसरा बात, आप इसमें जान जाओगे कि इंग्लिश भी एक ऐसा हमारे एजुकेशन के क्षेत्र में मैटर करता है, जिससे कि हम अपने नॉलेज को और तगड़ा बना सकते हैं. प्लस जो लोग इंग्लिश के बारे में ज्यादा जानते हैं आपके सामने, मतलब वो अपना इन लार्ज रूप से अपना कैपेसिटी दर्शाते हैं, तो उनके सामने एक आप भी सक्षम रूप से आप उनके सामने खड़े हो सकते हो.
स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बाद चर्चा में आता है प्रोज। प्रोज में पढ़ना है आपको 11 चैप्टर। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 11 चैप्टर। 11 आप लोग एक बात जान लो, देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटर्स नेम इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम्स में राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइटर्स का नाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इट विल बी नॉट वर्किंग फॉर यू, तो यह आपके लिए सही नहीं काम करेगा। तो देखते हैं हम लोग 11 राइटर्स, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले, और वो है हमारा 11 राइटर में सबसे पहले राइटर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यह सबसे पहला आपका राइटिंग पॉइंट है जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है महात्मा गांधी के ऊपर, और महात्मा गांधी के बारे में ये जानकारी रख के चलना है कि भाई महात्मा गांधी थे कौन। अब इनका तो डिटेल एनालिसिस तब होगा जब उनके चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोगों को देखना है कि हाउ शुड बी मैनेज टू द नेम इन माई माइंड, कैसे हम अपने दिमाग में उन नामों को रख लें। दैट इज द मेन पॉइंट, वही मेन पॉइंट अभी है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी क्या होता है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी क्या होता है? इंडियन यानी भारतीय, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, कल्चर यानी संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके राइटर है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था, बट ही इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ महात्मा, लेकिन वो महात्मा के नाम से पॉपुलर थे, इन्हीं कारण से हम लोग महात्मा गांधी के नाम से इनको पुकारते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पूछता है, है ना, देयर इज द ऑब्जेक्टिव, वहां ऑब्जेक्टिव्स मौजूद होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे पकड़ेंगे, है ना, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे पकड़ा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को पकड़ा कैसे जाएगा, इस पर ध्यान रखने के लिए कुछ कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम लोग आमतौर पर हमेशा यूज करते हैं, जिससे हम लोग इसको हमेशा याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे इसे कहेंगे कि यह एक टिप्स है, कुछ बच्चे इसे बोलेंगे कि यह एक प्रकार का ट्रिक है। तो आप जो भी कहो, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर एनी राइटर एनी ऑथर नेम दैट आई हैव टू प्रोवाइड। तो देखिए हम क्या आपको दे रहे हैं, समझिएगा। इंडियन सिविलाइज, पहले तो टोटल आप लोग पॉइंट्स देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना है। फर्स्ट नंबर है जो कि आप लोगों ने देख रहा है, इनका जन्म हुआ है 2nd of October 1869 को, और इनकी assassinated, यानी इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, 13th of January 1948 को, इस तरह से इनका जन्म और मृत्यु हुआ था। अब याद करने का तरीका हम बताएंगे, सो यू शुड बी हैव कीप विद दिस वीडियो एंड यू शुड बी नॉट बी पार्टेड एंड डोंट लुक हिदर एंड दिदर, यू शुड ओनली कंसंट्रेट व्हाट आई हैव टू टीच। तो देखिए नेक्स्ट है आपके भारत इज माय होम, इसके राइटर हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म हुआ है ना 8th of February 1897, और इनकी मृत्यु हुई है 3rd May 1969 को, इस तरह से इनकी जन्म और मृत्यु हुई है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि और कौन कौन से राइटर हैं भाई। द पिंच ऑफ अस्नफ, इसके राइटर है मनोहर मांगलोनकर, और इनका जन्म हुआ है 12th of July 1913 को, और इनकी मृत्यु हुई है 14th of June 2010 को हुआ है। आई हैव अ ड्रीम, इसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, ही वाज बोर्न ऑन 15th जनवरी 1969 है ना, और इनकी assassinate, इनकी भी हत्या हुई थी, ये natural death नहीं की, इनका हुआ था, इनकी भी हत्या हुई थी 4th of April 1968 को। और उसके बाद आपका जो राइटर है वो है आपके ideas that have helped mankind, ideas that have helped mankind, इसके राइटर है बर्ट्रेंड रसल, इनका जन्म हुआ है 18th of May 1872 को, और इनकी मृत्यु हुई है 2nd of February 1970,
इस तरह से इनका जन्म हुआ है। उसके बाद है आपका द आर्टिस्ट, फिफ्थ पॉइंट, सीगा नोया, है ना। इनका जन्म 20 फरवरी है ना 1883 को हुआ है और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को हुआ है। ये सब हिंदी पता है ना द आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट यानी कलाकार, है ना। आप लोग भी एक कलाकार हैं, है ना। कोई भी चीजों में तुरंत एक अपना नया टैलेंट लगा देते हैं फट से, फिर बाद में घर से पेरेंट्स का टीचर का डांट सुनते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, है ना, थोड़ा ज्यादा कलाकारी हो गया, कम करना चाहिए था। अ चाइल्ड इज बॉर्न, रिटन बाय जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर। अ चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा का जन्म, है ना। यू नो हाउ इज द बेबी बॉर्न, आपको मालूम बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? नहीं मालूम है, यू शुड आस्क योर पेरेंट्स, है ना। अपने माता पिता से पूछिएगा, हाउ आई बर्थ, वेयर आई बर्थ, इन द हॉस्पिटल, इन द होम, वेयर आई बर्थ, है ना। इनकी जन्म जो है 29 जनवरी 1939 को हुआ है और इनकी मृत्यु है ना जनवरी 29 1939 को हुआ है। दोनों तो चीज बराबर ही लग रहा है। अच्छा अच्छा एक मिनट, है ना। देर इज नो, देखा जाए तो अच्छा देखा जाए तो इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है, ये जिंदा हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर इनसे भेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं ना, वहां पर जाके आप इनसे भेंट मुलाकात सकते हैं। हम तो भाई लगा कि डेथ है, नहीं अभी तक ये जिंदा ही है। कहिएगा तो आपका पासपोर्ट वगैरह हम बनवा देंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, है ना। अरे थोड़ा बैठ के पढ़ लो यार, सोया हुआ है, है? ध्यान दो। हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस, रिटन बाय डोरोथी एल सायर, रिटन बाय डोरोथी एल सायर। और इनका जन्म हुआ है 13 जून 1893 को और इनकी मृत्यु हुई है 17 दिसंबर 1997 को। मेनी स्टूडेंट विल थिंक नाउ, कुछ स्टूडेंट अभी जरूर ऐसा सोचेंगे, क्या पढ़ा रहे हैं आप, पता कुछ चल नहीं रहा है। अरे हम अभी आपको केवल इसका सिलेबस बता रहे हैं क्या है, फिर याद करने का एक तरीका भी आपको बताएंगे कि इजीली आप कैसे इसको याद कर लो तुरंत, नाम देखते राइटर का नाम ऑप्शन में फट से टिक लगना चाहिए, ऐसा भी आपको कॉन्फिडेंस आज हम देंगे, है ना। पिछले साल के विद्यार्थियों को होगा, है ना, लेकिन तुम लोगों को भी होगा, कोई बात नहीं है, जरूर होगा। नेक्स्ट देखते हैं द अर्थ, द अर्थ यानी धरती, रिटन बाय एच ई वेट्स, है ना। बोर्न ऑन 16th of May 1995 और डाई ऑन 29th of January 1974। उसके बाद है आपका सेकेंड लास्ट, इंडियन, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइड, नॉट इंडियन, इट्स जस्ट मिस प्रिंट देयर। पैरल एस बक, रिटन बाय पैरल एस बक, पैरल एस बक इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। बॉर्न ऑन 1892 और इनकी मृत्यु हुई है 6th of March 1973 को, इस तरह से। और एक लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है, अ मैरिज प्रपोजल, विवाह प्रस्ताव कहते हैं, रिटन बाय एंटन चीकॉफ और इनकी मृत्यु जो है वह January 29, 1860 को हुई और मृत्यु की जन्म हुआ। ध्यान देते रहो, है ना, केवल वीडियो पर देखने से थोड़ी होता है, देखना भी पड़ता है। हाँ हाँ बोल लो, सुन रहे हैं, ध्यान दो। उसके बाद है आपका अगला नंबर, इनकी मृत्यु है 15th of July 1994। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि आप ही की तरह लग रहे हैं सर। हाँ जी, इनसे मेरा मैच हो रहा है, हाँ पूरा ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका और एक टेक्निक बताते हैं आपको, कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखा जाए और ध्यान देते जाइएगा। हम्म,
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सबसे बड़ा पूज्य माना जाता है महात्मा लोग को। किनको माना जाता है? महात्मा लोगों को सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जो महात्माओं को बड़ा सम्मान करती है। अब कहीं पर भी हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देखेंगे तो इजीली पहले खोजेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सभ्यता किसी का रिस्पेक्ट करता है, तो रिस्पेक्ट करता है भाई, तो किनका रिस्पेक्ट करता है? सबसे पहला ऋषि महात्माओं मुनियों का रिस्पेक्ट करता है, यानी महात्मा गांधी। आई थिंक यू गॉट इट, लग रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा। अब कहीं पर भी आप देखोगे तो जरूर टिक आउट कर दोगे, यहाँ भाई यही राइटर है, कहीं भूल नहीं सकते हो। नेक्स्ट है आपका, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस पर कैसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं? तो काफी नेचुरल है और काफी व्यवहारिक है कि इसको हम ध्यान में कैसे रख सकते हैं। तो यू शुड बी हैव टू बी फर्म फोकस, कुछ फोकस बनाइए और देखिएगा, मेडिटेशन हो जाए, कैसे इसको ध्यान रखना है। भारत मेरा घर है, घर आप लोगों का भी घर है ना? अभी तो ऐसा घर है कि घर ही आपका मेन सैनिटाइजेशन एरिया है ना? अगर उसमें नहीं ढंग से रहोगे तो यू शुड अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, है ना, हो जाओगे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। अब देखा जाए, भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। घर है ना, घर में आदमी क्या करता है? घर में ही आदमी घुसता है ना? तो हम कह सकते हैं कि हुसैन घर में घुस गए, हुसैन घुसैन है ना, माने घर में घुसैन, घर में घुस गए है ना, तो हुसैन घर में ही घुसा सकता है, तो हुसैन घुसैन गए है कि नहीं। नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ क्या आ गया, ऐसे कैसे, अ पिंच ऑफ अ स्नब, अ पिंच माने होता है चुटकी। एक आप लोग डायलॉग भी सुने होंगे, एक चुटकी है ना, बाकी पूरा कर लोगे अपने आप, हमको मालूम है ना। तो उसी तरह से इसलिए एकदम बेहतर ढंग से देखते जाओ, क्योंकि कोई नहीं जानता है एक मार्किंग का महत्व क्या होता है। तुम क्या जानो इंटरमीडिएट में पढ़ने वालों, है ध्यान देते जाओ। अ पिंच ऑफ अ स्नब इसको कहते हैं, यानी चुटकी भर इसको कहते हैं। स्नब मतलब ऐसा खैनी होता है, सुंगनी होता है, लेकिन कहानी से इसको कोई लेना देना नहीं है। कहानी से लेना देना कुछ ऐसा है कि चुटकी भर समस्या नहीं होता है कि देखते कोई ऐसे दिखने में कुछ समस्या बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उस समस्या में घुसते उस समस्या चुटकियों में समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह से कुछ ऐसा यहां पर भी है। अ पिंच ऑफ अ स्नब रिटन बाय मनोहर मांगलोनकर, है ना। अब समझिएगा, अस्नफ मतलब ऐसा होता है खैनी, क्या होता है खैनी, अस्नफ मतलब खैनी। तो खैनी वगैरह देखे हैं आप लोग, यही सब तो देखोगे, और कहां कुछ मिलेगा है कि नहीं। सुनो, तो अस्नफ, अस्नफ आप देखो यहां पर मनोहर मांगलोनकर, आप बढ़िया से देखोगे तो इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जनरली खैनी वगैरह लोग कहां ठोकता है, गांव में ज्यादा ठोकता है, लुंगी पहन लेंगे लोग, खां ऐसा हाथ में लेकर खड़ा है, का हो कह कल के बाद, ऐसा आपसे करते रहते हैं। तो उसी तरह से यहां देख लो, खैनी, खैनी जो होता है वो क्या है, माल गांव का, खैनी माल गांव का, है ना, माल यानी मटेरियल, है ना। तो ये जो खैनी होता है वो जनरली गांव में ज्यादातर पाया जाता है, गांव का कम मटेरियल माना जाता है ना। लोगों को अगर कस के कुछ बुझा नहीं रहा है तो लोग अगला से कहता है का बुआ अब का मटेरियल, तो वही मटेरियल मांगता है, वो गांव में ही ऐसा मांगा जाता है ना। उसके बाद है आप लोगों को, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बड़े लेकिन पढ़े में मार्टिन लोथर और थोथर एक पढ़ देता है, तो ये सब नहीं पढ़ना, मर मजाक भले इसे कर सकते हो, बट यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट बिकॉज ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, काफी रिस्पेक्टफुल मैन है। He is also dead in that the gaining to the freedom and just divide the discrimination by the white people in the America. So that he man is just full of the regards. We have to be regard. I have a dream. Mera ek sapna hai. Kaisa sapna hai bhai? To har kisi ka sapna hota hai ki ek din wo kya ban jaye? Raja.
आप लोग भी राजा बनना चाहते हो, है ना? कोई आजकल राजा, राजा तो ढेर आजकल नामे में लगा रहे कि हम राजा बन गए, पवन राजा कर लिया, है ना? तो यही सब कर लेगा, अपने नाम के पीछे राजा लगा लेगा, तो ऐसा थोड़े होता है। राजा बाय योर डीड, बाय योर प्रॉपर्टी, दैट बी कॉल्ड द किंग। तो हर किसी का सपना होता है कि एक दिन राजा बने। तो अब कहीं पर भी आप लोग आई हैव ए ड्रीम देखोगे तो समझ लोगे कि ड्रीम उन्हीं का हो सकता है, मतलब राजा बनने का ही लोग सपना, तो किंग वाले ऑप्शन को ढूंढ के टिक लगा देना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आइडियाज, आइडियाज माने विचार होता है। कैसे आप लोगों के मन में कभी किसी के प्रति विचार बहुत अच्छा होता है और किसी के प्रति विचार बहुत से भी ज्यादा अच्छा होता है ना? को कि आप लोग तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं हो, है ना? आप लोग इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी हो। नहीं, आज तक आप लोगों ने जीवन में किसी के बारे में गलत सोचा है? एक भी इंसान के बारे में, खाली मेरे अलावा छोड़ के, है ना? हर किसी के बारे में आप लोगों ने अच्छा ही सोचा है। सोच लो, अब ध्यान दो यहाँ पर। आइडियाज दैट हैव हेल्पड मैनकाइंड, बर्टन रसल। आइडियाज यानी विचार, विचार जो मानव जाति की सहायता करे। मैनकाइंड यानी मानव जात, आप जैसे जात को मानव जात कहते हैं, है ना? जिन पर आजकल थोड़ा कोरोना वायरस के मेहरबानी चल रहा है। तो मानव जात की सहायता विचार करता है। अब देखो यहाँ पर, मैनकाइंड यानी मानव, मानव में एक लक्षण होता है, कभी कभी बड़ी खुश होता है और कभी कभी मानव जो है रूस जाता है। तो बर्टन रसल यानी समझ लो तो रूस गए, है ना? यानी इंसान कभी कभी रूस भी जाता है ना? वो रूस नहीं, बाय मूड यू गोइंग टू बी इरिटेट, इरिटेट हो जाते हो, रूस जाते हो, सीधे कहते हो, अगला कुछ बोल रहा है तो उसको सीधे कहते हो बक है कि नहीं, ऐसे करके उसको चुप करा देते। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे बीच द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट यानी कलाकार। कलाकार, आप लोगों ने कभी कलाबाजी किया है ना? इन इन द चाइल्डहुड, बचपन में किया होगा, जिसका आप लोग खामियाजा भी उसी समय भुगत लिए होंगे, है ना? कभी दीवार पर पेंटिंग कर देता होगा, कभी कुछ कर देता होगा, तब बहुत सा आप लोगों का ऐसा ऐसा किस्सा होगा, है ना? ऐसा कोई इंटरेस्टिंग अगर किस्सा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना? आओ तो नहीं कि काम है कुछ ही रहेगा, ये नहीं बताना कि कंप्लीट करना है हमको। देखिए, द आर्टिस्ट सीगा नोया, कलाकार वही होता है जो हमेशा सीखता है नया नया। इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सीगा को मान लेना कि सीखता, अनोया यानी नया। तो कलाकार वही है जो हमेशा नया नया सीखता है। कैसे आप लोग गांव में हर सप्ताह में कोई ना कोई एक दो को बात नया नया सीखते हो? नहीं, अपने गांव के कोई पूर्वज हैं जिनको स्कूल पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों के गांव में वही आपका बॉस होता है ना? आप लोग उनके पास ऐसे घेराबंदी करके बैठते हो मानो वही आपका गांव का प्रेसिडेंट है ना? तो उनसे हर बातों का आप सलाह मशवरा लेते हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ वो अपना कालाबाजी से आपको नया नया बातों का सिखाते रहता है, तो आप लोग भी सीखते रहते हो। तो कलाकार वही है जो नए नए बातों को सीखता है। जो बच्चे मेरिटोरियस टाइप के हैं, जुड़े हुए हैं मेरिट के ख्याल से, वो भी हमेशा चाहता है कुछ नए नए बातों को जाने। कुछ बच्चे तो खैर खैर होते हैं, क्या उनके बारे में कहें। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अ चाइल्ड इज बॉर्न, रिटन बाय जर्मन ग्रिल, है ना? अब चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा का जन्म, यू नो वेयर इज योर बर्थ, क्या आप जानते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे हुआ होगा इन द हॉस्पिटल, इन द होम, है ना? यू नो वेयर इज योर बर्थ प्लेस, वेयर इज योर, इट मीन्स योर ग्रैनी हाउस, दादी यहाँ हुआ था या नानी क्या हुआ था, वो तो आप ही लोग बता सकते हैं, है ना? तो जहां भी हुआ होगा, लेकिन इस लेसन में जर्मन रीत बताना चाह रही है, जो कि अभी तक जीवित है, वो बताना चाह रही है कि भाई ऐसे दिमाग में रख लेना, बच्चे का जन्म हुआ था जर्मनी में, है ना? बच्चे का जन्म हुआ था जर्मनी में, माने कोई बच्चा का जन्म हुआ है जर्मनी में, ऐसे करके हम ऑप्शंस में आसानी से इसको खोज सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ माने होता है कैसे, फ्री यानी आजाद, प्रेस यानी मीडिया। मीडिया समझते ना है, इंसान मर भी रहा फिर भी उसके मुंह में माइक डाल के पूछता है, बोलिए आपको कैसा फील हो रहा है, हाउ डू यू फील, है ना? व्हेन आर यू गोइंग टू डाई, जब मर रहे हो तो कैसा फील हो रहा है, बेचारा क्या बताएगा, है कि नहीं? फिर भी बरेरी मर रहा है, मुंह में उसका माइक डाल रहा है कि लो बोलो यार, है कि नहीं? अब देखो,
हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर। आप लोग देखते हैं पेपर वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कि अपना मनचाहा प्रेस उठा लेते हैं, कोई खेल प्रेमी है तो खेल उठा लिए, और कोई संगीत प्रेमी है तो संगीत का मैटर, किन्हीं को फिल्मी फीवर ज्यादा होता है तो बॉलीवुड गॉसिप उठा लेते हैं, एक साइड में बैठ के पूरा न्यूज पढ़ लेते हैं। नहीं, न्यूज का मेन आधार हमें डेली पढ़ना चाहिए। अगर जो बच्चे डेली पढ़ते होंगे उनको डेली पढ़ने में इसका जवाब उनको मिल गया होगा। कैसे भाई? तो मीडिया में आप लोग अक्सर देखते हैं कि डेली कहीं ना कहीं कोई शायरी कोई चुटकुला छपता ही है, देखते हैं कहीं ना कहीं होगा, कोई ना कोई पृष्ठ पे कभी आप ध्यान नहीं दिए होंगे। बट नाउ यू वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट आई टोल्ड, अब पूरा ध्यान दोगे जो मैंने कहा उस बात पर। अब देखिए आप लोग ध्यान देना, तो इसलिए समझ लेना प्रेस यानी मीडिया, और मीडिया में शायरी वगैरह छपते रहता है ना, हमेशा छपता है। द अर्थ एच ई बेट्स, है ना। अब ये बताइए एच ई, कुछ देर के लिए मान लो कि ई अलग अलग नहीं है, देर इज नो डॉट, है ना, इसमें कोई डॉट नहीं है, ये अब्रिविएशन का हिस्सा नहीं है, एक शब्द है। तो एच ई को अगर हम साथ लिखेंगे तो क्या हो जाता है, ही, क्या हो जाएगा, ही। तो अब बताइए ही यानी लड़का की लड़की, लड़का, और लड़का खेलता है बैट से, किससे, अब बैट से खेलना के बाद बैट का अपन बिछौना पे रखे जाता है, आदमी अपना बैट कहाँ रखता है, इंसान अपना बैट धरती पर रखता है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई बैट के कहीं जिक्र हो जाए या धरती कहीं जिक्र हो जाए तो बैट ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि बैट धरती पर ही रखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज, पर्यटक के दृष्टिकोण से भारत, पर्यटक के दृष्टिकोण से भारत, भारत पर्यटक, पर्यटक समझते हैं, जैसे मान लो यू विजिटिंग समवेयर, यू आर रिलेटिंग फ्रॉम दिस एरिया पटना एंड यू विजिटिंग नालंदा, है ना, आप नालंदा अगर विजिटिंग किए हो तो आप वहां के लिए पर्यटक हो गए। अगर आप बिहार छोड़ के तमिलनाडु गए हैं तो वहां पर अगर आप गए हैं तो आप वहां का विजिटर हो गए। तो उसी तरह से लेखिका जो है वो कहीं और से आई है, बाहर से आई है, अमेरिकन थी, चाइना में पली बड़ी थी, इनका डिटेल हम आगे क्लास में आपको बताते रहेंगे, अभी मेन अभी ध्यान दो इस मुद्दा पर। तो वही कहा जाता है कि ट्रेवलर यानी पर्यटक, कोई घूमने वाला यात्रीगण होते हैं, उसके नजर से कैसा दिखाई देता है, कैसे आप लोग किसी के बारात में जाते हो, है ना, तो उस गांव का आप एनालिसिस करते हो, अपना गांव से तुलना करते हो कि है एकर गांव में ऐसा नहीं है, कहते हो एकर गांव में ऐसा है, मेरे गांव में भी ऐसा होना चाहिए। तो वही ट्रेवलर का वही काम होता है, ट्रेवलर अपनी आंखों से भारत के बारे में क्या देखा है, वही इस लेसन में आपका डिस्कस किया गया है। इसके राइटर है पैरलेस बक, पैरलेस बक। अब पैरलेस बक पर हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई पैरलेस बक पर, कैसे ध्यान रखेंगे, सुनो, ट्रेवलर्स माने क्या होता है, यात्री। जब भी यात्रा वगैरह, आप लोग कभी यात्रा किए हैं, किए होंगे, तो कभी देखते हो बगल में कोई बैठ जाता है, खूब लगातार लबर 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 बोल रहा है ना, स्पीकिंग स्पीकिंग लगातार गौन किए हुए है, रुक ही नहीं रहा है ना, तो तुम लोग उसको कहता है बक 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 कुछ कर रहा है ना, तो यही समझ लो कि ट्रेवलर्स यानी बक बक करने वाला, साथ में बैठ गया, कभी चर्चा निकाल देगा मोदी जी पर, कभी चर्चा निकाल देगा लालू जी पर, रेलवे में घुमा होगा तुम लोग, है ना, तो ऐसा चर्चा आप लोगों को अक्सर मिलेगा, अब पूरा जर्नी भी कट जाता है, बक बक करते ही लोग अपना पूरा ट्रेवलर्स ट्रेवलिंग निकाल देते हैं अपना। तो हम ध्यान में रख सकते हैं कि ट्रेवलर्स लोग जो होते हैं वो बहुत बक बक करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं। ये सब कोई तरीका नहीं है, बस आसानी से हम ऑप्शन को कैसे टिक लगा ले, हमको याद नहीं आ पा रहा, नहीं उतना याद कर पा रहे, तो हम इजिली कैसे उसको शॉर्ट आउट कर ले, ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आसानी से देख के, क्या कि अब तो ऑप्शन आ गया है, टिक लगाने वाला आपका काम हो गया है ना। अब देखा जाए आपका द लास्ट मैरिज प्रपोजल, है ना, बहुत से लोग खिल गए होंगे मैरिज प्रपोजल के नाम से, बिकॉज दिस इज द सीजन ऑफ मैरिज, शादी ब्याह का सीजन है। हालांकि आजकल सब पंडित जी, है ना, मौलवी वगैरह जी सब बोल चुके हैं कि ना ना अभी कुछ काल रुक जाइए, वायरस का खतरा है, तो लोग अभी ठहरे हुए हैं, तुम लोगों को अभी काफी जीवन सूखा सूखा गुजर रहा है, कहीं पार्टी ताटी में जाए का मौका नहीं मिल रहा है, है ना जी, टुकुर टुकुर देख रहे हो ना। सुनो ध्यान देना, अब देखो मैरिज प्रपोजल एंटोन चीकॉफ, शादी विवाह में जाते हैं तो बहुत हम लोग खाने के चक्कर में रहते हैं,
कुछ लोग तो ऐसा रहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे दरिद्र टाइप के रहते हैं कि वो लोग ध्यान भी नहीं देता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ध्यान भी नहीं देता है कि वो लोग मतलब ऐसा होता है ना कि खाली खाई के फेर में रहवे करता है। गया तो पहले हो सकता है कि दिन भर कुछ नहीं खाता और राते के कहे भाई तो चल ना आज फलना की है एकदम जम के पार्टी है खूब ज्यादा है ज्यादा। वो अपना पेट को पेट नहीं समझता, वो एक बैंक समझता है, जितना हो सके सब डाल देना है इसमें फटाफट फटाफट, है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही हैं, अभी वीडियोस देखने के बाद मम्मी को कहीं दिया होगा कि खूब बढ़िया से खाना वाना बनाओ, है ना, खूब जबरदस्त कि लाओ भाई जबरदस्त भूख लगा होगा खूब खाएंगे जम के। अब देखो इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, है ना। प्रपोजल मैरिज वगैरह में हम लोग जाते हैं, अगर जा रहे हो, कभी किसी के साथ हुआ ऐसा हादसा कि दे गॉट डायरिया, उनको किसी प्रकार से अरे लूज मोशन शुरू हो गया हो, हुआ है कभी ऐसा किसी के साथ, बाराती में जा रहा है जाते जाते उनको बस वगैरह पे या स्कॉर्पियो वगैरह पे लूज मोशन शुरू हुआ, ऐसा हुआ होगा, है ना, जबरदस्त लूज मोशन में पड़ा होगा, है ना। लूज मोशन भी होता है तो स्लो मोशन में, है ना, एक बार में हो जाए तो क्या बात है, लेकिन नहीं स्लो मोशन में आता है। तो भाई कुछ लोग ऐसे अगर चक्रों में पड़े होंगे तो उनको ऐसा लगा होगा जिस भी अगर खाने पर इनवाइट, मान लो किसी विधायक का शादी है ना, मान लीजिए आपका तेजस्वी का शादी, आप लोगों न्योता मिले और तुम्हारा हो गया पेट खराब, अब क्या करोगे, है ना। तो जाओगे वहां 56 भोग है, खा ही नहीं पाओगे, तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, लोगों को कहते हो कि सुनो ना जाओ ना थोड़ा थोड़ा लाओ ना सबसे हमको चिखाओ ना, नहीं कहता है कि लाओ थोड़ा थोड़ा हमको चिखाओ, हम चीख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, खा नहीं पाएंगे, और ना खा लिए तो फिर व्यवस्था खराब हो सकता है यहाँ के। तो उसी तरह से ध्यान दो कि भाई शादी विवाह में लोग को अगर तबीयत खराब हो तो लोग वहां पर केवल चीखने का काम करता है, चेकअप यानी चीखने का काम करता है ना, खाली लोग चीखता है कि लाओ तुमने चिखा दो, टेस्ट तो कराओ कैसा बना है, दही बड़ा लाओ ना, है कि नहीं, ऐसा कहते हो। सोच लो होली में तो खूब जम के मारा होगा सब, है ना, अब थोड़ा कम कर दो, ज्यादा ही सब मत खाओ, साइड इफेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब एक बार जरा आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, एक बार रिमाइंड करना चाहते हैं कि आप लोग कितना इन बातों को कैच कर पाए, कितना आपके अंदर क्लियरिटी बन पाया। अगर अब मैरिज प्रपोजल डायरेक्ट अगर याद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, याद कर लो मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव। लेकिन अगर हमको ध्यान रखना हो कि कैसे हम इसको याद रखें, तो यही ध्यान रखें कि शादी विवाह में अगर हमारा तबीयत खराब होता है तो हम खाना को पूरी तरह से खाते नहीं, बस चीखते हैं खानों को, है ना। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। उससे पहले वाला जो मैटर था, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आइज पैरालेस बग, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि जो ट्रेवलर्स यानी ट्रेवलिंग जब हम करते हैं तो हमारे साथ जो भी यात्री रहता है वो जनरली आमतौर पर बग बग करने वाला मिलता ही है, लगातार बोलते ही रहता है, हम लोग पक जाते हैं उसकी बातों से। उसके बाद है द अर्थ एची बेड्स। तो अगर कोई लड़का है, एची माने ही मान लेना, तो कोई लड़का है अपना बेड को हमेशा धरती पर ही रखेगा, है ना, जमीन पर ही रखता है, कोई बिछौना या कोई सोफा ओफा पे आप लोग नहीं रखते हो, कि रखते हो, एकदम रखते हो, नहीं रखते हो कोई बात नहीं। चलिए हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सायर, सायर सायरी नहीं, डोरोथी एल सायर। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना सीख लो, जैसे साथ में टीचर जब बोलते हैं उस समय अगर इंग्लिश नाम, क्योंकि देखो इंग्लिश हम लोगों का नाम नहीं है, हम लोगों का नाम क्या है, आमतौर पर लोग बोलते हैं अमित सुरेश अहमद, है ना, नौसाद, यही सब नाम हम लोग यूज करते हैं जनरली आमतौर पर। तो ये सब क्या होता है, हम लोगों को वोकल कोड में ठीक रहता है ना। लेकिन अब कोई कहता है डेविड, है ना, बर्नार्ड सा, कोई कहता है शेक्सपियर, अब बोल ही में उसको लगता है कि जीव हमारा ट्विस्ट कर गया, टंग ट्विस्टर हो जाता है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए टीचर्स जैसे पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका ऐसा हो जाता है। तो अभी ध्यान रखना है आपको कि इसको कैसे ध्यान में रखना है, तो प्रेस, प्रेस यानी मीडिया, अखबार, है ना। तो अखबार में आप लोग देखते हैं शायरी वगैरह छपते रहता है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि मिलो तुम तो बाहर आ गए,
गए तुम तो सुधार आ गए, है ना। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बातें आप लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उसके बाद है आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीड, इसको कैसे ध्यान में रखना था। बच्चा का जन्म हुआ है कहाँ, जर्मनी में हुआ है ना, इस तरह से ध्यान रख सकते हो। उसके बाद है द आर्टिस्ट रिटन बाय सिगानोया, सिगानोया कलाकार वही है जो हमेशा सीखता है नया नया बातों को, सीखा नया नया, वही है आर्टिस्ट। अभी इस पे एक्सरसाइज भी आपको मिलेगा, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाते हैं और कितने स्टूडेंट बस ऐसे ही दांत खिसोरते हैं, देखते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्पड मैनकाइंड बर्टन रसल, आइडियाज दैट हैव हेल्पड मैनकाइंड बर्टन रसल। तो ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्पड मैनकाइंड है, इसको हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं, तो मैनकाइंड यानी मानव जात, मानव जात का एक लक्षण होता है कि हमेशा वो रूसते फूलते रहता है। कभी आप अपने पेरेंट्स से रूस जाते हो, है ना, कभी टीचर से रूस जाते हो, कभी फ्रेंड से, और कभी कभी ऐसा मौका होता है कि आदमी खुद से रूठ जाता है ना। पता नहीं आप लोग रूठते हैं कि नहीं रूठते हैं, रूठते हैं। सुनो, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम, तो ड्रीम है ना, हर किसी का सपना होता है कि एक दिन वो क्या बन जाए, राजा, है ना। हर किसी को राजी करना है तो प्रजा कौन रहेगा जी, चलो कोई बात नहीं, सबके प्रजा हम ही रहेंगे, हमारे पर तो नहीं शासन करना है कि ना। नेक्स्ट है अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना, इसके राइटर है मनोहर मांगलोनकर, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अ पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ मतलब है खैनी, है ना। तो खैनी ऐसा चीज है जो, खैनी एक ऐसा मेटेरियल है, एक ऐसा माल है जो हमेशा आपको मिलता है गांव में ही, माने गांव का माल होता है, खास करके लोग गांव में उसको ज्यादा ठोकते हैं, है ना। शहर में तो कम से कम गांव के लोग इतने सीधे होते हैं, खैनी ठोक के काम चला देते हैं। शहर में तो पता नहीं क्या क्या करते रहता है, प्लास्टिक प्लास्टिक लेके, है ना, बताओ। लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्नफ यानी खैनी, खैनी जो है आपका गांव का होता है। इसके बाद है भारत इज माई होम रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अब देखा जाए इसको कैसे ध्यान में रखना था, हुसैन माने घर है, तो घर में कोई भी रहते हैं जो घर में क्या आदमी करता है, घर में घुसता है, तो हम कह सकते हैं कि हुसैन घुस गए, तो कहां घुसेगा, तो घर में ना घुसेगा जी, है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर है महात्मा गांधी। तो हम ध्यान में रख सकते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही, भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी है जो महात्माओं को बड़ा सम्मान करता है, महात्माओं का बड़ा। अब हाउ कैन वी प्रैक्टिस ऑन दैट, कैसे इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आई हैव सम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज भी आपके पास है, उन एक्सरसाइजों को हम जरा देखते हैं। रेडी, आ जाओ आ जाओ। हाँ, दैट इज द एक्सरसाइज, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, सोचिए आप लोग बोलोगे तो क्या करेगा बाकी, सोच लो, अपना अपना नंबर से दिखाते रहो, 2 3 1, है ना। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, है ना, आर्टिस्ट कौन लिखे है, सोचिए जरा, टी एस एलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, सीगा नोया, जॉन डॉन। कलाकार वही है, कला आर्टिस्ट वही है जो सीखा नया नया, यानी योर आंसर इज ऑटोमेटिकली सीगा नोया, है ना। ठीक, नेक्स्ट जांच करते हैं। द अर्थ इज रिटन बाय, है ना, एच ई बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सीगा नोया। सोचो, ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस ए, आज ही आप लोगों को भी लगता है। देखिए, अर्थ ऐसा यानी कह सकते हैं कि जमीन पर ही जनरली बैट वगैरह रखा जाता है ना, बहुत से लोगों के बैट माथा पर भी रखता है दूसरों का। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय, बच्चा के जन्म कहां हुआ, जर्मनी में हुआ।
हो गया, सिंपल सा बात। डेढ़ लेके सो रहा, कहा है सर गांव में नहीं हो सकता है? नहीं, उस वैसा नहीं बताया। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कह के भाई हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति ऐसी है जो महात्माओं को बड़ा रिगार्ड करता है। महात्माओं से हम लोग बातों को सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको हम बड़ा पूजनीय है मानते हैं, हमें कई सारा स्पिरिचुअलिटी की भावनाओं का एहसास कराते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे बीच, ए चाइल्ड इज बॉर्न रिटन बाय। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी भर समस्या है, चुटकी भर खैनी। खैनी वही होता है जो जनरली गांव का होता है। हम कह सकते हैं कि इसके राइटर हैं मनोहर मालगोनकर, है ना। तो इस तरह से हम लोग इन तमाम पोर्शंस पर ध्यान रख सकते हैं। आपको हम बहुत जल्द पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, है ना, यूट्यूब पर। आप लोगों को जब ये वीडियो आएगा तो उस पर जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उस बॉक्स में हम पीडीएफ डाल देंगे। आप वहां से पीडीएफ को देख के डाउनलोड भी कर सकते हो, या उन पीडीएफ को देख के अपना सेव भी रख सकते हो मेमोरी में, है ना। ना तो ऐसे भी कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो इफ यू डिमांड द पीडीएफ देन आई विल अपलोड देयर, बट यू इन डिमांड देन आई विल दैट, अगर डिमांड में हो तो। अब देखा जाए, इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, खत्म हो गया? पोएट्री के पोर्शंस पर पोएट्री 10 है, बट इसके लिए सस्पेंस बनना चाहिए। जिस तरह से प्रोज को आपको क्लियरिफाई कर दिया गया, उस तरह से आपका पोएट्री का भी काम क्लियर किया जाएगा, बट नॉट नाउ, आज नहीं, यू शुड वेट फॉर टुमारो, कल का इंतजार कीजिए। एंड लास्ट का मैटर है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, यू शुड सब्सक्राइब, प्रेस द वेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन, है ना, तब कोरोना वायरस से बचोगे। सोच लो। और आप लोगों को विशेष क्लास ऐसे ही धीरे धीरे मिलते रहेगा, है ना, गैप नहीं करना है, जुड़े रहना है क्लास से, है ना। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, है ना, एंजॉय योरसेल्फ, जाइए, कीप सेफ, कीप अवे, ओके बोला।